ही पार्टी में भी जाने वाले हैं। बहुत लोग का कमेंट था, भैया प्लीज इस बार तो आप पार्टी में जाओ। ये नया साल हमारे लिए, आपके लिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप सभी को। वेलकम बैक टू आवर चैनल रुद्र पूजा टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। तो बज रहे हैं टाइम 10:45, कंफर्म बता रहा हूँ आपको। टाइम दिखा देता हूँ आपको, ये देखो, अरे धुंधला हो रहा है। हाँ, अभी 10:45 था, 10:46 हो गया, सॉरी उसके लिए। तो टाइम हो रहा है 10:46। फिलहाल सीन ये है ना कि आज का डेट भी बता दूँ, आज का डेट क्या है। मैं चाह रहा हूँ ना कि ब्लॉग हमारा अपडेट हो जाए। तो ये हमारा डेट है 3, तो आज का डेट है 3 जनवरी। और अभी का सीन ये है कि हम एक लंबे ड्राइव पे निकलने वाले हैं, कहीं पार्टी में भी जाने वाले हैं। बहुत लोग का कमेंट था, भैया प्लीज़ इस बार तो आप पार्टी में जाओ, प्लीज़ जाओ। तो सोच रहे हैं क्या करें। अभी कुछ घर में भी कुछ ऐसे इशूज थे जिसकी वजह से हम प्लान मेरा ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब कन्फर्म नहीं हो पा रहा है कि क्या करें ना करें। बट आपको बता दूं कि अभी हम जा रहे हैं अपनी न्यू स्कॉर्पियो एन ब्लैक बेस्ट ब्लैक ब्यूटी की सर्विस कराने के लिए, क्योंकि 10,000 किलोमीटर पुर चुके हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आप लोग के मन में भी आ रहा होगा कि भैया आपने तो स्कॉर्पियो एन ले लिया, बट इसका सर्विस कॉस्ट क्या है, कितना सर्विस कॉस्ट है, क्या एवरेज है, क्या है सब कुछ, तो सबके बारे में जानकारी देंगे। और मुझे भी पता चलेगा कि क्या है, मुझे भी तो पता नहीं है ना कि सर्विस कॉस्ट क्या आ रहा है। तो नया साल आ चुका है और नया साल में कुछ नई शुरुआत होनी चाहिए। और मैं ये सोचता हूँ ना कि अपनी लाइफ में हमेशा सबको आगे बढ़ना चाहिए, पुरानी बातों को छोड़ के। अगर सब कुछ सही हो रहा है तो सब चीज़ को सही भी करना चाहिए। और देखते हैं ये नया साल हमारे लिए, आपके लिए कैसा रहता है। और 2023 तो कुछ खास नहीं गया, बहुत सारी अच्छी यादें भी है, उससे ज़्यादा हमारी बुरी यादें भी हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी, बहुत सारा मैटर है। और 2 महीने फाइनली डिस्टर्ब भी रहा, कुछ ऐसा पर्सनल इशू था, फैमिली इशू में फंस गया था। वैसे आप कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ क्या मौसम है। हमारे यहाँ तो बिहार में ना, हम वैशाली से बिलोंग करते हैं, तो सुबह से इतना कुहा था ना, धुंध, फॉग इतना था कि क्लियरेंस थोड़ा भी नहीं था। बट अभी जाके सडनली धूप निकल चुकी है, मौसम थोड़ा सा क्लियर हो गया है, अच्छा लग रहा है, विजिबिलिटी बढ़ गई है। तो चलो आप लोग का सारा डाउट क्लियर करेंगे, गाड़ी की सर्विस कराते हैं। एक बात और है, मम्मी भी कहीं जाने वाली है, तो वो सब भी बात बताएंगे आपको ब्लॉग के लास्ट। तो अभी हमारे घर पे छोटा छोटा सा बेबी बउआ है ना बेटा, बउआ के इतना सारा खिलौना दिया है खेलने के लिए, ले लो बउआ खेलो, तुम खेलो, तुम वो वहाँ पे ना रेड कलर का तकिया होगा पतला वाला, ये ना ना पक तो बड़का है, पतला वाला होगा ना, लाल ये लगा दीजिए, यहाँ वाला पतला वाला तकिया नहीं था, लाइट तो वो तो ले लो बेटू, ले लो खेलो, भैया दे रहा है, भैया दिला खिलौना। मम्मी उधर साइड से लगाइए, ऐसे ऐसे लगाइए, ऐसे ऐसे उठाइए, उठाइए ऐसे लगाइए, ऐसे ऐसे, अब ठीक है। अरे इधर बुआ कोई देख रहा है, बुआ से नजर नहीं हट रहा है, इधर देखो दीदी है, आ दीदी लगी है, शिवांश कहते हैं मम्मी शिवांश के, तो अच्छी लगेगा मम्मी, शिवांश के चाचू लगेगा, नहीं ये शिवांश का चाचू लगेगा, चाचू है, चाचू है, लो चाचू खेलो खेलो खेलो, छोटा चाचू है, दे दिया कि खेलो, सारा खिलौना दे, बउआ चाचू है, बउआ चाचू बेटा, बेटा कह दो कि बउआ चाचू है, बउआ चाचू, उम्मा ले लीजिए बउआ को, ठीक से रखना, हाँ आराम आराम से, इसको आराम से पैर है यहाँ पे बउआ का, हाँ ठीक से लंघाएगा, इधर से इधर देखो, बाप रे बाप, दुलार कर रहा है कैसे, आराम से लेना, आराम से यहाँ ले, उमा कर, छोटा बउआ है, चोट लग जाएगा, आराम से लेना, उमा ले लो, उमा करो उमा, हाँ। अरे डर लग रहा है उसको, दूर से कर रहा है कि चोट लग जाए, देखो देखो डर लग जाएगा, नहीं बेटा बेटा उतना बड़का तकिया पे बउआ नहीं सोता है, छोटा तकिया पे बउआ सोता है, देखो बउआ कितना क्यूट है, छोड़ दीजिए टोपी, छोड़ दीजिए आराम से, आराम से खेलने दीजिए,
आराम से खेलने दीजिए। सबके कंफ्यूजन हो जा रहा है, रिश्ता का कंफ्यूजन। मेरा मेरा कैसे लगेगा? मेरा आपका बेटा लगेगा। ससुर मेरी ना देवर, जैसे हम है ना, हम हाँ तो वो इसके पापा ससुर लगे, ये देवर लगेगा ना, ये छोटा देवर। वाह, सबसे सबसे छोटा देवर है ए मम्मी, इसको छोड़ नहीं रहा। रोने लग लाई ना, रोई थी। उमा कर, उमा कर, उमा कर। वाह, अब ना उमा हो गई, जा लेके चलो। ए आपको आपको लेने का मन कर रहा है, इसलिए बउआ छोड़ी हो गया है आपके। मुझे मांच बउआ को छोड़ नहीं रहा है, उसको गोदी लेना है, गोदी लेना है बउआ को। बेटा छोटा छोटा बउआ है, उसको ना बच्चा गोदी नहीं लेता है बेटा। इसका पैर ढूंढ रहा है, इसका पैर देखना है। पैर दिखा दीजिए, तनका पैर तनका धीरे से दिखा दीजिए। देखो पैर है, पैर है, देख लिया ना। अब ठंडा लग जाए, नीचे गिराओ, खिलाओ। नीचे खेलने के लिए खेलेगा बेटा। छोटा बउआ ना बैठता नहीं है ना। सुबह में वैसे फॉग था, बट अभी बहुत ही अच्छी धूप निकल गई है और दो बाल्टी कपड़े भी धो के ले आई हूँ। एक दिन कपड़े ना धो तो ज़्यादा हो ही जाता है, तो अभी जा रही हूँ कपड़े सारे पसारने। बहुत अच्छी धूप है, बट लाइट का इशू है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है कि लाइट नहीं आ रही है। और शिवांश अभी बेबी के साथ गया है घूमने, वो छोड़ ही नहीं रहा था। उसको चाहिए था कि मेरे गोदी में दो, मेरे गोदी में दो, उसको यहाँ पे सुलाओ, अपने बेड पे सुलाओ, नीचे रखो, खेलना है मुझे। तो अभी गया है उसी के साथ, तब तक जल्दी जल्दी कपड़े पसार लेते हैं, बाकी नहाना धोना भी है। और ये गए हैं कार सर्विसिंग करवाने के लिए, स्कॉर्पियो वाला, क्योंकि वो पहली बार करवाने गए सर्विसिंग, अभी तक हुआ हुआ नहीं था। Hey guys, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं चंदा मामा मोटर्स, एंड अभी हमारी गाड़ी हो रही वाली है एंट्री। चलते हैं, फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट क्या आएगा, क्या क्या चेंज होगा, क्या क्या लगने वाला है, सब कुछ आपको बताते हैं डिटेल्स में। बढ़िया है कौन? Hey guys, तो फाइनली हम आ चुके हैं चंदा मामा मोटर्स हाजीपुर, और सर्विस के लिए आए हुए हैं। थोड़ा सा 5 मिनट वेट करना होगा और इसके बाद अपना नंबर आएगा। ज़्यादा ठंड लग रहा है, सब कुछ ठंडा ठंडा सा लग रहा है। छत पे बहुत अच्छा लग रहा है, छत पे धूप लग रही है एकदम तेज वाली। और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस जा रही हूँ अभी किचन में। और आजकल मैं ऐसे वाले ड्रेसेस पहन रही हूँ क्योंकि ये नाइट सूट जो विंटर वाला होता है, इसमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगता है, बहुत ही अच्छा है, एकदम वार्म है, मोटा सा है, एकदम लगता है कि कंबल ही पहन रखा है। करी पूरी रोटी खाएंगे, रुको खिला रही है मम्मा, खिला रही मम्मा, खाना मम्मा तो सारा खा गई, थोड़ा सा खा मम्मा, छोड़ दीजिए बेटा, सब्जी तीखा है। ठीक है, तो गाड़ी हमारी सर्विस में जा चुकी थी, ये हमारी कार का सेकेंड सर्विस था। और फिलहाल देख सकते हो कार को हवा में लटका दिया गया है, एंड इसका मोबिल डीएफ लेवल, डीएफ मतलब यूरिया, फिल्टर्स, क्या बोलते हैं, कोलेंट, ब्रेक ऑयल, बहुत सारे चीज़ चेंज करना है। और ये देख सकते हो अभी तो पुराना वाला जो मोबिल है ना, उसको निकाला जा रहा है क्योंकि वो ख़राब हो चुका होगा। तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, भैया ने बोला है, बट मुझे लग रहा है कि 4-5 बजने वाला है हमारा सर्विस में। चुका है टाइम 5:59, 6 बज चुके हैं और सर्विस कराने में टोटल हमें इतना टाइम लग गया है, क्या बताऊं आपको। घर से निकले थे 11 बजे, 10:10 निकले थे और अभी बज रहा है 6, 1 घंटा तो हमारा टाइम लग गया खाने में, क्योंकि भूख लगी हुई थी जोर वाली, तो हमने खाना पीना खा लिया है। अभी जा रहे हैं घर पे और चलते हैं जल्दी से। वैसे आपको हमने बोला था कि हम बताएंगे आपको कितना कॉस्ट आया सब कुछ, तो आपको हम बिल भी दिखा देते हैं। तो ये हमारा गाड़ी का सेकेंड सर्विस था जो 10,000 किलोमीटर पे कंप्लीट होता है। जो टोटल हमें बिल आया है ना, वो है 6,154 रुपये का टोटल बिल, जिसमें सारा कुछ इंक्लूड है, हमारा हमारा डीएफ डलाया है, 16 लीटर, बाकी मोबिल है, एंड बहुत सारा सामान जो लगा है ना, ये छोटा छोटा हमने लिक्विड लिया है, एक ही निकालो, ये लिक्विड है, ये मतलब जब हम गाड़ी का जो ये होता है ना वाइपर, इसका जब ये लिक्विड खत्म हो जाएगा ना, तो हम इसमें डालेंगे क्योंकि इससे अच्छा क्लीन होता है, ग्लास वगैरह अच्छा सा क्लीन होता है। तो ये हमने 5 लिया है, तो 200 रुपया लगभग इसका हो गया है। टोटल आप मान सकते हो कि 6,000 का हमें कॉस्ट आया है।